सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आहान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। अब पेटीएम ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स कुछ समय तक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हालांकि पेटीएम मॉल, पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहीं एप्पल के ऐप स्टोर से पेटीएम को अभी भी डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल द्वारा प्ले स्टोर से ऐप हटाए जाने के बाद पेटीएम ने कहा है कि ऐप को अस्थायी तौर पर प्ले स्टोर से हटाया गया है। पेटीएम ने ट्वीट करके कहा है कि पेटीएम फ़िलहाल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम जल्द ही वापसी करेंगे। आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप जल्द ही पहले की तरह पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये पेटीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है। गूगल ने शुक्रवार को कहा है कि वह खेलों से सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप को इजाज़त नहीं देता है और ऐसे में आईपीएल जैसे प्रमुख खेल आयोजनों में से पहले इस तरह के ऐप बड़ी संख्या में लॉन्च किए जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आईपीएल 19 सितंबर से सऊदी अरब में शुरू होने वाला है। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्टर में कहा है, हम ऑनलाइन अनुमति नहीं देते हैं या खेलों में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाली किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें वे ऐप शामिल हैं जो ग्राहकों को किसी ऐसी बाहरी वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं जो धनराशि लेकर खेलों में पैसा या नगद पुरस्कार जीतने का मौका देती है, वही हमारी नीतियाँ का उल्लंघन है। ब्लॉग पोस्टर में कहा गया है कि ये नीतियाँ उपयोक्ताओं से संभावित नुकसान से बचाने के लिए है।